सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तेरा खावां मैं तेरे गीत गावां या रसूल अल्लाह, तेरा खावां मैं तेरे गीत गावां या रसूल अल्लाह, तेरा मेलाद मैं क्यों ना मनावां या रसूल अल्लाह। हली मगर कदी वेखे कदी सरकार नू वेखे, हली मगर कदी वेखे कदी सरकार नू वेखे, मैं केड़ी सेज तेरे लई सजावां या रसूल अल्लाह, मैं केड़ी सेज तेरे लई सजावां या रसूल अल्लाह, तेरा मेलाद मैं क्यों ना मनावां या रसूल अल्लाह। सुना है यहाँ पे अरे आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है यहाँ पे अरे आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, तेरा मेलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। मैं कुछ भी नहीं ज तेरे नाल मेरी कोई नस्बत नहीं, मैं कुछ भी नहीं ज तेरे नाल मेरी कोई नस्बत नहीं, मैं सब कुछ हाँ मैं सब कुछ हाँ ज मैं तेरा सदावा या रसूल अल्लाह, तेरा मेलाद मैं क्यों ना मनावा। स्कूल का नाम ओरिएंट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस। कितना अच्छा हो गया भाई स्कूल को? स्कूल का हमारा भी सातवां साल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो किस तरह शौक हुआ स्कूल बनाने का? इस स्कूल में अपने मतलब तालीमी सिलसिले में बेसिकली मियांवाली को मियांवाली से जो है मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ अपनी तालीम के सिलसिले में। तालीम मैंने यहीं इस्लामाबाद नमज यूनिवर्सिटी से हासिल की, फिर मुख्तलिफ़ किस्म के प्राइवेट स्कूल से मैं टीचिंग करता रहा। 2006 से मैं मुसलसल टीचिंग के प्रोफेशन से हूँ, तो कुछ अर्सा पहले ही अपना ये सिस्टम स्टार्ट किया है। तो बच्चों को वालदैन को शौर है वे ना सही यहाँ पे? ये तो कुछ चीज़ें हैं ना जी, एरिया के लिहाज से या कोई माँ बाप के पढ़े लिखे होने के लिहाज से भी ये चीज़ें हैं जो हम ये इस्लामाबाद के एरिया ये शकराल में बैठे हैं, ये बेसिकली देही टाइप का है। यहाँ पे मोस्टली हमारे एरिया में नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 50-50% हैं। सच ऐसा नहीं है, कोई तालीम की तरफ लोगों का रुझान नहीं है। तो कहाँ तक स्कूल है आपका? मैट्रिक तक। तो रिजल्ट क्या रहता है माशाल्लाह? रिजल्ट माशाल्लाह से अच्छा ही रह जाता है। पिछले साल हमारे एक बच्चे ने स्टूडेंट ने 1060 नंबर फेडरल बोर्ड हासिल कर चुके हैं। नाम? उनका नाम था मोहम्मद यासिर। सबका लॉकडाउन में क्या सूरत हाल है स्कूलों को? बस सरवाइव किया है मुश्किल से, कुछ बच्चों को नोट्स दिए, कुछ ऑनलाइन एजुकेशन दी, ऑफिस में बैठे होते थे, टीचर्स को बाउंड किया, वीक में 2-3 दिन टीचर्स यहाँ पे आ जाती थी स्कूल में, फिर क्लास के लिहाज से डिवाइड किया हुआ था कि जी कुछ क्लासों के ये दिन है कुछ क्लासों के ये दिन है, तो वो भी टाइम टाइम से सुबह 8 बजे से ले कर वो 1 बजे तक टाइम होता था, पेरेंट्स आते रहते थे उनको, फिर वो जो SOPs थे SOPs के मुताबिक बच्चों को गाइड करके निज़ाम चलता रहा। मुश्किल से रेंट पूरी हुई है, टीचर्स की सैलरीज मुकम्मल की गई, यही सिलसिला चलता रहा। लास्ट काफ़ी सारा हुआ है, यानी कि मैं आपको कहूँ कि जी जो उस वक्त हमारी स्ट्रेंथ थी हम अभी तक उस स्ट्रेंथ तक नहीं पहुँच सके, नहीं पहुँच सके। कोई पैगाम दें बच्चों के वालदैन को? बच्चों के वालदैन को पैगाम कुछ लिहाज से तो मतलब के पेरेंट्स भी ठीक हैं, इस महंगाई के दौर में तालीम काफ़ी महंगी हो चुकी है, तो पेरेंट्स का शौक़ तो होता है कि हमारे बच्चे पढ़ें आला तालीम हासिल करें, जो हम अपने सिलसिले के लिहाज से मुसीबतें माशरती ज़िंदगी में उठा रहे हैं हमारे बच्चे ना उठाएं। मैं तो यही कहूँगा माँ बाप के अवलीन फ़राइज़ में से ये फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों की अच्छी इखलाकी समाजी दीनी तरबियत मुकम्मल करें, और उसके लिए बेहतरीन जो इदारे होते हैं वो स्कूल ही होते हैं। मैं एक एज ए हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन ये भी कहना चाहूँगा
कि जैसे पंजाब की तरफ गवर्नमेंट ने या पंजाब गवर्नमेंट ने बच्चों को स्कूलों को फैसिलिटेट किया हुआ है, इस्लामाबाद में भी फैसिलिटेट किया जाए। क्योंकि जैसे कि इस्लामाबाद के इस तरह के बैकवर्ड एरियाज़ हैं, इनमें बच्चों को मुफ्त किताबें दी जाएँ, को मुफ्त तालीम दी जाए, ये तभी हो सकता है कि जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इनकी पुष्ट पनाई करेगी। अगर जैसे हमारा एरिया का जो स्कूल है ना जी, इसकी यहाँ पे विज़िट किया जाए, यहाँ पे सर्वे किया जाए, तो ये बहुत सारे मसाइल आपके सामने आएंगे। यहाँ पे हम लोग यानी कि देखते रहते हैं, काफ़ी सारे मसाइल हैं। माँ बाप ऐसे भी हैं जो बुक्स बच्चों को बुक्स नहीं ले के दे सकते, बुक्स काफ़ी महंगी हो गई हैं, तो एक सेट बच्चों को काफ़ी मुश्किल पड़ जाते हैं। फिर एक चीज़ मेरी सजेशन है, अगर आपके चैनल के ज़रिए से ये हो सकता है, अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स को जहाँ पे देखा जाए ना जी, तो उनके रूम्स भरे हुए हैं बुक्स के जी, रूम्स बुक्स के भरे हुए हैं। कोई ऐसा सिस्टम किया जाए, चाहे वो यूनियन काउंसिल के ज़रिए से किया जाए, यूनियन काउंसिल नाजिम हो, नायब नाजिम हो, कोई भी हो, वहाँ से लोग यूनियन काउंसिल से लिखवा लें, एक फॉर्म हो वो लिखवाएं और वो गवर्नमेंट स्कूल में ले जाएं, गवर्नमेंट स्कूल का हेड जो है वो उनको बुक्स इशू करते हैं। मतलब इसमें से किसी तरह से आप ये नहीं कह सकते कि प्राइवेट स्कूल्स वाले जो हैं ना वो बुक्स ले के बच्चों को सेल कर रहे हैं या पैसे ले रहे हैं या जो कुछ भी। मेरी एक ये सजेशन है, जल्द जाए। दूसरी जी, आपकी ये काविश अच्छी है कि ये जो छोटे छोटे स्कूल्स हैं इनकी तरफ जो है ना जी आपने तवज्जो दी है। अल्लाह, मैं तो दुआगो हूँ अल्लाह आपकी इसकी काविश जो है ना इसको मुकम्मल करे। हाँ। क्या पता इन गरीब गुरबा बच्चों के लिए भी ना कोई अच्छाई पेश आ जाए, बेहतर वो निकल आए।